हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी गुरु ज्ञान। आइए बनाएं अपनी पहचान। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। आप आज जैसे हैं, 5 साल बाद भी वैसे ही रहेंगे। केवल 2 चीज़ों से फर्क पड़ेगा। पहला, आप किन लोगों से मिलते हैं, और दूसरा, आप कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं। ऐसा कहा है चार्ल्स टी जोन्स ने। दूसरे लोगों की पुस्तकें पढ़कर खुद को बेहतर बनाने में अपना समय लगाएं, ताकि आपको आसानी से वह ज्ञान हासिल हो जिसके लिए दूसरों ने बहुत मेहनत की है। ऐसा कहा है सुकरात ने। जो व्यक्ति अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़ता, उसकी दशा उस व्यक्ति से बेहतर नहीं है जो उन्हें पढ़ नहीं सकता। ऐसा कहा है मार्क टेनन ने। ये सारे कोट्स पढ़ें और अमीर बने बुक से लिए गए हैं। इस बुक में ये बताया गया है कि आप अच्छी पुस्तकें पढ़ने से अपना पूरा का पूरा जीवन बदल सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम एक पुस्तक स्वेट मार्टन के विचारों पर आधारित, जिसके लेखक हैं डॉक्टर आईपी वर्मा। तो सबसे पहले इस बुक के बैक कवर पर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आज के प्रतिस्पर्धाशील युग में जीतना कौन नहीं चाहता। प्रत्येक नौजवान की यह इच्छा होती है कि वह अपने क्षेत्र में चोटी पर रहे, मगर अक्सर ऐसा हो नहीं पाता। अपनी तरफ से प्रत्येक युवा पूरी कोशिश करता है, किंतु फिर भी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास सही दिशा नहीं होती है। यदि आप सचमुच जीत के इच्छुक हैं, तो आइए हम आपको देते हैं एक नई दिशा। प्रस्तुत पुस्तक में जीत के ऐसे टिप्स दिए गए हैं जिनको अपनाकर आप निःसंदेह सफलता की नई ऊंचाइयों को छू लेंगे। विश्व प्रसिद्ध विचारक स्वेट मार्टन के विचारों पर आधारित पुस्तक है टिप्स हमारे जीत आपकी। टिप्स हमारे जीत आपकी पुस्तक में 16 अध्याय हैं, जिसके पहले अध्याय प्रभावशाली शब्दों का चमत्कार को पढ़कर हम कुछ नया सीखने वाले हैं। प्रभावशाली शब्दों का चमत्कार अर्थात जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उसमें इतनी पावर होती है कि यदि आप इसको सही तरीके से यूज़ करें तो आप अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। बस आपको सही तरीके से इस शक्ति का प्रयोग करना है। तो चलिए पढ़ते हैं अध्याय फर्स्ट, प्रभावशाली शब्दों का चमत्कार। प्रभावशाली शब्दों में अपार शक्ति होती है। प्रभावशाली शब्दों की शक्ति इंसान का जीवन ही नहीं, व्यवस्थाएं तक बदल देती हैं। आप सोच सकते हैं, क्या यह सच है? क्या शब्दों में भी शक्ति होती है? हम कहते हैं कि हाँ, यह सच है। हमारी आत्मा की आवाज क्या है? यही तो है हमारी शब्द शक्ति। मनुष्य जो कुछ सोचता है उसके शब्दों में प्रकट करता है। मनुष्य जो कुछ सोचता है उसे शब्दों में प्रकट करता है। मनुष्य का संपूर्ण स्वभाव, उसका आदर्श उसके शब्दों से ही जाना जा सकता है। वास्तव में मनुष्य की वाणी उसकी आत्मा का दर्पण है। यह मनुष्य के वर्तमान और भावी जीवन का संकेत करने वाली है। मनुष्य के मुख से निकली वाणी का बड़ा तीव्र प्रभाव होता है। विज्ञान कहता है कि शब्द अमर है। मनुष्य के मुंह से निकलने वाले शब्द कभी मरते नहीं, वह बराबर बने रहते हैं। उनका अस्तित्व सदा कायम रहता है। शब्दों को ही ब्रह्मानाद माना गया है। महापुरुषों के मुंह से निकलने वाले शब्द अमर होते हैं। आज कितने ही महापुरुषों की वाणियां हमारे सामने हैं। वास्तव में अंतःकरण से निकले शब्दों में भौतिक पदार्थों से ज्यादा शक्ति होती है। शब्द ही जीवन को प्रेरणा देने वाली, प्राणवान बनाने वाली शक्ति है। मनुष्य के मुंह से निकलने वाले शब्दों में एक चमत्कार होता है। उसका तत्काल प्रभाव देखने में आता है। मन पर अमिट प्रभाव पड़ता है। शब्द शक्ति के बल पर आप किसी को अपना मित्र अथवा शत्रु बना सकते हैं। शब्दों का यह चमत्कारिक प्रयोग आप अपने पर भी करके देखें।
आप अपने प्रण को बार बार दोहराएं, अपने विचारों को बार बार प्रकट करें, तो आपकी समस्त शक्तियां एकजुट होकर क्रियाशील हो जाएंगी, आपको नया जीवन प्राप्त होगा। इसी शब्द शक्ति की महत्ता के कारण जय घोषों का निर्माण किया गया है। प्रत्येक सेना का अपना एक जय घोष होता है, प्रत्येक जुलूस और हड़ताल आंदोलन का नारा होता है। शब्दों से आकाश गूंज उठता है और शब्द वायुमंडल में लहराने लगते हैं। शब्द ही व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। युद्ध क्षेत्र के नारे तो अपार शक्ति एवं स्फूर्तिदायक होते हैं। मन मस्तिष्क पर शब्दों का प्रभाव अत्यंत तीव्रता के साथ होता है। शब्द हमारे विचारों के वाहन हैं। यदि हमारे शब्दों में प्रेम, स्नेह तथा मैत्री की भावनाएं हैं, तो हमारे सामने खड़े व्यक्ति पर उसी के अनुरूप प्रभाव होगा। हमारे शब्दों में ईर्ष्या, घृणा, कटुता है, शत्रुता है, तो सामने वाले पर भी वैसा ही प्रभाव होगा। अंतःकरण के भावों को शब्द ही व्यक्त करते हैं। यदि हम किसी को ना पसंद करते हैं, तो हमारे पास एक शब्द नहीं, कहने का अंदाज अलग होगा, और जिसे हम पसंद करते हैं उसे नहीं कहने का अंदाज अलग होगा। हालांकि अभिव्यक्ति एक ही है नहीं, किंतु उसकी प्रस्तुति का ढंग बदल जाएगा। इसमें भावना प्रधान होती है। मानव सभ्यता के विकास में शब्दों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। विचार शक्ति द्वारा उत्पन्न शब्द ही मनुष्य की कामना पूर्ति में सहायक होते हैं। शब्दों से ही हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान का प्रभाव हमारी सारी क्रिया प्रणाली पर पड़ता है। शब्दों में निर्माण की अद्भुत क्षमता है, बशर्ते उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। शब्द शब्द में भेद भी है। मन से कहे गए शब्दों की शक्ति होंठों से निकलने वाले शब्दों की शक्ति से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जब शब्द मुंह से प्रकट होते हैं, तो वह सुनने वालों के मन पर अपना प्रभाव सामर्थ्यानुसार डालते हैं। किसी नेता का उत्कृष्ट भाषण सुनकर हम भावाभिभूत हो जाते हैं। शब्द शक्ति के बल पर ही जुलूस में शामिल लोग तोड़फोड़ पर उतारू हो जाते हैं। शब्द शक्ति के द्वारा लोगों को बहला फुसलाकर कुछ भी काम कराया जा सकता है। सुने हुए शब्द कभी कभी इतने प्रभावशाली होते हैं कि उन्हें भुला पाना असंभव होता है। ग्रंथों में पढ़े शब्द हम भुला बैठते हैं, पर सुने हुए और मन पर प्रभाव डालने वाले शब्द हम भूल नहीं पाते। यह शब्द शक्ति ही है कि महापुरुष साधु संत अपने प्रवचनों से लोगों के जीवन में आमूल परिवर्तन कर डालते हैं। ताने के रूप में कहा गया एक शब्द सुनकर लोग आत्महत्या कर डालते हैं। शब्द शक्ति का प्रभाव अचूक और अमिट होता है। महाकवि तुलसीदास अपनी पत्नी के कड़वे शब्द सुनकर ही महाकवि बने, अन्यथा उससे पूर्व तो वे राम बोला के नाम से जाने जाते थे, किंतु पत्नी के कटु शब्दों ने उन्हें महाकवि तुलसीदास बना दिया। यह बात नहीं है कि मनुष्य पर केवल दूसरों के कहे गए शब्दों का ही प्रभाव पड़ता है, वरन प्रायः अपने आप से कहे गए शब्द भी हमारा जीवन परिवर्तित कर डालते हैं। प्रण, प्रतिज्ञाएं या संकल्प मन ही मन अपने आप से किए जाते हैं। इस प्रकार कई बार अपने आप से कहे गए शब्दों के द्वारा हम अपनी अधिकांश बुराइयां खत्म कर डालते हैं। इनका जादू सा असर होता है। कई लोगों ने मन ही मन प्रण किया, कसमें खाई और उनको पूरा करके ही छोड़ा। प्रतिज्ञाएं तो अपने आप से ही की जाती हैं। अपने आप से कहे गए शब्दों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की शब्द शक्ति हमारी काया पलट कर देने की क्षमता रखती है। हम आत्म सुधार भी कर सकते हैं। मन बातों को स्वीकार करता है और जयत्व देता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम बात मन में ना रखकर स्वयं से सस्वर बातें करें। अपने आप से सस्वर बात करने से मन पर उसका दुगना असर पड़ता है। निराशा और असफलताओं के क्षणों में बहुत से लोग मन से सस्वर बातें कर असाधारण सफलता पा गए। मन से सस्वर बातें करने से आत्मज्ञान उत्पन्न होता है
और आत्मज्ञान के प्रभाव से हमें अपनी गलतियों और कमजोरियों का पता चल जाता है, साथ ही आगे के लिए भी दिशा निर्देश मिल जाता है। जो व्यक्ति लज्जा संकोच से भरे रहते हैं, वे एकांत में अपने मन से वार्तालाप करना शुरू कर दें, तो उनकी सारी लज्जा, सारा संकोच समाप्त हो जाता है। मेरा एक परिचित था, वह अत्यंत शर्मीला और संकोची स्वभाव का था। लोगों से बातें करते समय वह घबरा जाया करता था। मैंने उसे यही नुस्खा बताया कि बंधु, अपने आप से बातें करो, तर्क वितर्क करो, तब तुम्हारे सारे संकोच दूर हो जाएंगे। उसने वैसा ही किया। वह एकांत में जाकर जोर जोर से अपने आप से बातें किया करता था। कुछ समय बाद उसका सारा संकोच, सारी लज्जा समाप्त हो गई। वह लोगों से खुलकर बातें करने लगा, बहस करने लगा और एक बहुत अच्छा वक्ता बनकर उभरा। प्रत्येक वक्ता पहले एकांत में ही भाषण देने का, वार्तालाप करने का अभ्यास करते हैं, बाद में वह मंच पर आकर भाषण देते हैं। अपने आप से वार्तालाप करने से मन का सारा संकोच मिट जाता है और नए नए मार्ग अपने आप मिल जाते हैं। बहुत सी समस्याओं का हल भी प्राप्त हो जाता है। निरंतर अल्प सुझावों द्वारा संसार की बड़ी से बड़ी दुर्बलता समाप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया से अनेक मानसिक शक्तियां जागृत हो जाया करती हैं। वास्तव में हमारे भीतर बारूद के समान शक्तियां सोई पड़ी हैं, उनमें चिंगारी लगाने की आवश्यकता है ताकि वह अपना विस्फोटक रूप प्रकट कर सकें। आप बार बार दोहराइए, मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा, यह कार्य करने की क्षमता मुझ में है, मैं इसको पूरा करके रहूंगा। बार बार कहने से मन में संकल्प जागता है और कार्य क्षमता बढ़ती है, संदेह और उत्साहहीनता समाप्त हो जाती है। साथ ही आत्मवार्तालाप कर आप अपने मन की तमाम कमजोरियों को खोज सकते हैं कि आखिर क्या बात है, आपका काम क्यों नहीं बन रहा है, कौन सी रुकावट आ गई है, आपकी कमजोरियां क्या हैं। आप यदि अपनी वर्तमान दशा से असंतुष्ट हैं, यदि आप आशानुरूप प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, यदि आपके मार्ग में कोई रुकावट आ गई है, तो आप आत्मवार्तालाप करिए, अपने आप सब बातों का जवाब आपको मिल जाएगा। आपकी अपनी तमाम कमजोरियां आपके सामने आ जाएंगी और आपको सब पता चल जाएगा। याद रखें, आत्मवार्तालाप जादू का सा असर करता है। संकोच मुक्त होने का यह सर्वोत्तम मार्ग है। अपने अंतःकरण पर दृष्टि डालिए, अपनी आत्मा से साक्षात्कार कीजिए, अपनी संपूर्ण सोई पड़ी शक्तियों को पहचानिए, उनको जागृत कीजिए। एकांत में बैठकर स्वयं के प्रश्नों का उत्तर सोचिए। आगे बढ़ने में क्या बाधा है, उन्नति के मार्ग में कौन सा रोड़ा है, अपना लक्ष्य आप क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्यों अपने सहयोगियों से आप पिछड़े हुए हैं, सामान्य जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं, कम योग्यता वाले लोग कैसे आगे बढ़ गए, कौन सी दुर्बलता प्रगति के मार्ग में बाधक है, इस दुर्बलता का कारण क्या है। इस प्रकार के प्रश्न जब आप अपने आप से करेंगे, तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अपने भीतर से ही मिलता जाएगा। याद रखिए, सफलता के लिए उत्साह, साहस, धीरता, प्रसन्नता, आशा, उच्चाकांक्षा तथा आत्मविश्वास आवश्यक है। जिसमें उत्साह नहीं है, अधीरता, निराशा, उदासी, हीन भावना भरी हुई है और जिसमें आत्मविश्वास का अभाव है, वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। आप में अगर यह तमाम दुर्बलताएं हैं, तो इनको मन से निकाल फेंके, सफलता के लिए जो गुण आवश्यक है उन पर अमल करें। स्वयं से वार्तालाप करके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाया जा सकता है। सफलता के लिए आवश्यक सभी गुणों को प्राप्त किया जा सकता है, अपना मार्ग स्वयं बनाया जा सकता है। आपका निश्चय दृढ़ हो, दृढ़ निश्चय से अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। दृढ़ निश्चय के बल पर आप बहुत से असंभव समझे जाने वाले कार्य को भी कर सकते हैं। अपने आप से वार्तालाप करते समय अपने को ईश्वर का पुत्र या उसका एक अंश समझें। मन में यह विश्वास जमाएं कि आप में अपूर्व क्षमता है और आपके कार्य में ईश्वर भी आपका सहायक है।
इसलिए आपका कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। आप अपने को साकार रूप माने, अपने को शक्तिमान माने, यह तय कर लें कि आप निर्बल नहीं हैं, कर्महीन नहीं हैं, कार्य क्षमता आप में कूट कूट कर भरी हुई है। अपने को तुच्छ और अकर्मण्य बिल्कुल न माने, अपने मन को हमेशा उत्साह से भर कर रखें। अपने कर्तव्य से जी ना चुराएं, परिश्रम से ना घबराएं, अपने मन में पूरी आशा लेकर आप अपने कार्य में लग जाएं। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर आप निम्नलिखित बातों को प्रतिज्ञा रूप में अवश्य दोहरा लिया करें। पहली बात, मैं संकट आने पर कभी नहीं घबराऊंगा, धैर्य साहस तथा दुगनी शक्ति से काम लूंगा, संकट का सामना करने में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। दूसरी बात, मैं सबसे गौरवशाली बनूंगा। तीसरी बात, मैं अपना व्यवहार विनम्र रखूंगा। चौथी बात, मैं अपने जीवन में और अधिक सफलता पाऊंगा, मैं इस कार्य को और अच्छी तरह से कर सकता हूं। पांचवी बात, मैं सदा कार्यरत रहूंगा। छठवीं बात, मैं अपने दोषों को मिटा कर रहूंगा। सातवीं बात, मैं अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाऊंगा, इसके लिए निरंतर घोर परिश्रम करता रहूंगा। आठवीं बात, मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहूंगा। नौवीं बात, मैं गलत काम नहीं करूंगा। और दसवीं बात, मैं अपना प्रत्येक कार्य समय पर पूरा करूंगा, लोगों को दिए गए वचनों का पालन करूंगा। इन 10 वाक्यों को आप प्रतिदिन दोहराएं। अगर आपका कक्ष एकांत में है और कोई आता जाता नहीं है तो इन वाक्यों को एक तख्ती पर लिखकर टांग दें। प्रातः काल सर्वप्रथम आंखें खुलते ही आप इन वाक्यों को पढ़ें और इन पर अमल करने का प्रण करें। जब आप इन प्रतिज्ञाओं पर अमल करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आप सब कुछ पा सकेंगे, आपकी आध्यात्मिक तथा शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। निराशा के स्थान पर आशा का उद्भव होगा, विकारों को अपना स्थान छोड़कर भागना होगा, एक प्रकार से आप में दैवी शक्ति आ जाएगी। इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन धारा को बदल देंगी। इन महामंत्रों को दोहराने से आपको असीम शक्ति प्राप्त होगी और आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। प्रतिज्ञा में असीम शक्ति होती है। स्वयं से वार्तालाप करके आप आत्मज्ञान बढ़ा सकते हैं। आत्मज्ञान का प्रभाव बराबर आपको उत्साह से भरकर रखेगा। इसके साथ साथ आप परम पिता परमेश्वर में भी पूरी आस्था रखें, अपने को उसका ही एक अंश माने, स्वयं को ईश्वर का पुत्र मानकर चलें। इस तरह आपका उत्साह कभी कम ना होगा, आपका निश्चय सदा दृढ़ बना रहेगा, अपने को कभी दुर्बल या अवश्य महसूस नहीं करेंगे। आपको सदा प्रत्येक कार्य में प्रसन्नता का आनंद ही मिलता रहेगा। संसार के गौरवशाली दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, लेखकों को कभी भी प्रमाणों से अपनी बात सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनका अपना आत्मज्ञान ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण होता है। यदि वे लोग अपनी बात सिद्ध करने की कोशिश करें तो लोग उन पर विश्वास ही ना करें। उनके कथन में विश्वास होता है, विश्वास पूर्वक कहे गए शब्दों में स्वयं इतनी शक्ति होती है कि वह आपको मोह लेते हैं। आपके मन पर उसका इतना प्रभाव होता है कि सहज ही आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। आत्मविश्वासी मनुष्य के शब्दों में जादू होता है, उनमें कुछ इस प्रकार का बल होता है कि लोग शंका कर ही नहीं पाते। आत्मविश्वास के साथ कहे गए शब्दों का सीधा प्रभाव हृदय पर होता है, इस कारण सुनने वाला किसी प्रकार की शंका नहीं करता और उन पर सहज विश्वास कर लेता है। अपने आप से वार्तालाप करके भी आप अपने हृदय को इसी प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। अपने मन से भय, संकोच, घबराहट के साथ निकाल दें। जिस कार्य को भी करें विश्वास पूर्वक करें। यह बात मन में अच्छी तरह जमा लें कि आप उस कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। आपको यह विश्वास हो जाएगा और इस विश्वास के बल पर ही आप अपना कार्य शुरू करेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। आपकी सफलता के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। अपनी आत्मा को आप ऊंचे धरातल पर स्थित करें।
उसमें आप ईश्वरीय रूप को प्रकाशित करें, तब आप देखेंगे कि आपकी राह में आने वाली प्रत्येक बाधा, आपका प्रत्येक संकट किस प्रकार स्वयं ही समाप्त हो जाता है। अपने दृढ़ संकल्प हमेशा अपनी राह बनाएंगे। आपके आत्म वार्तालाप से आपकी आत्मा को मार्ग निर्देशन प्राप्त होगा, उसके अनुसार चलकर आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं। आत्म वार्तालाप, यहां पर आत्म वार्तालाप का मतलब है खुद से बात करके, खुद से बात करके। आत्म वार्तालाप से आपके मन को अतिरिक्त शक्ति प्राप्त होती है। आप अपनी दुर्बलताएं सरलता से पकड़ सकते हैं। आत्म वार्तालाप के रूप में ईश्वर ने आपको एक ऐसी विवेचन शक्ति दी है जिसका प्रयोग कर आप स्वयं अपनी परीक्षा ले सकते हैं। आपको किसी परीक्षक या निर्देशक की आवश्यकता नहीं है। आपका आत्म वार्तालाप ही आपका गुरु है। इस बात को आप हमेशा याद रखें कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसकी सत्यता पर आपको विश्वास होना चाहिए। जिन शब्दों का आप उच्चारण करते हैं वह आपके अंतःकरण को स्वीकार होने चाहिए। ऐसा ना होने पर वह शब्द आपके लिए निर्जीव हैं। आपके प्रत्येक शब्द के पीछे मानसिक बल होना चाहिए। आपकी आत्मिक शक्ति का उनको समर्थन मिलना ही चाहिए। ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है। उसने किसी के साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया है। सबको समान रूप से शक्तियां दी हैं। अगर कोई मनुष्य ईश्वर की दी शक्ति का प्रयोग ना करे तो यह उसका दुर्भाग्य ही तो है। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा पूर्ण करने की शक्ति प्रदान की है। प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में हर प्रकार की शक्ति का वास है। यह ईश्वर का वरदान है। इस वरदान का लाभ अगर कोई ना उठा पाया तो इसमें दोष किसका है? अपने प्रण को, अपनी प्रतिज्ञा को हर समय दोहराते रहिए। अपने प्रण को, अपनी प्रतिज्ञा को हर समय दोहराते रहिए। उसे पूर्ण करने में लग जाइए। ऐसा सोचिए कि यह अवसर फिर कभी नहीं आएगा। तत्पश्चात लगातार प्रयत्न कीजिए। प्रत्येक प्रयास से आपके शरीर में एक नई शक्ति आएगी। कोई आपकी निंदा करे, आप अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। सारी दुनिया भी अगर आपके विरुद्ध में हो जाए तो भी आप अपने मार्ग पर चलते जाएं। अपने सामर्थ्य की संभावनाओं को पहचानिए। जीवन को ऊंचा उठाने की एक विधि यह भी है। अपने आप को अपना ही अंतरंग सखा मानकर आप जब वार्तालाप करते हैं तो आपको एक नई दिशा मिलती है। आपकी सारी गलतियां एकदम स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाती हैं। बुराई से डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप में कोई बुराई है तो घबराइए मत। आप दृढ़ता से उसे मिटाने की कोशिश करें, आप अवश्य सफल होंगे। बुराइयां आपकी शत्रु हैं। शत्रु से डरने वाले, शत्रु को बलवान और स्वयं को निर्बल समझने वाले सदा शत्रु के कोप के शिकार होते हैं। अतः इन बुराई रूपी शत्रुओं से संघर्ष कीजिए। उतावलापन कभी ना अपनाएं। यदि दोष आप में है तो इसे धैर्य की तलवार से काटें। धैर्य सबसे बड़ी चीज है। धैर्य सफलता का सोपान है। धैर्यवान, धैर्यवान मतलब पेशेंस, धैर्यवान अवश्य ही सफल होते हैं। प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर ने एक ऐसी शक्ति दी है जिससे कि वह प्रत्येक बुराई से छुटकारा पा सकता है। बुराई को लड़कर परास्त किया जा सकता है। आपने स्वयं देखा होगा, कुछ लोग सिगरेट शराब को एक झटके में छोड़ देते हैं। इसका कारण उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। आप बुराई दूर करने का संकल्प कर लें, निरंतर प्रयास करें, वह दूर होकर ही रहेंगी। कुछ व्यक्ति अपनी बुराई से परेशान हो जाते हैं और उनका मन टूटने लगता है, वे हताश हो जाते हैं। पर ऐसा करने की अपेक्षा अगर वे बुराई से ऐसा करने की अपेक्षा अगर वे बुराई से लड़ता तो उसे जड़ से भी मिटा सकता था। बुराइयां हमेशा आपकी सफलता में बाधक बनती हैं। यह भी निश्चित बात है कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ ना कुछ अवगुण अवश्य रहता है। अतः जीवन में सफलता पाने के इच्छुक व्यक्ति को अपनी उस बुराई पर काबू पाना ही होगा। जब तक आप अपनी कमजोरी दूर नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। प्रायः ऐसा भी होता है कि
अपनी किसी कमजोरी या बुराई के कारण मनुष्य जीवन भर असफल रहता है। बुराई क्या है? यह क्यों उत्पन्न होती है? इन प्रश्नों के संदर्भ में इतना ही कहना मुनासिब होगा कि बुराइयां हमारी इंद्रियों की दुर्बलता के कारण उत्पन्न होती हैं। जब किसी इंद्री पर वश नहीं रह जाता तो हम इसके गुलाम हो जाते हैं। जब तक हम उस इंद्री की तृप्ति नहीं कर लेते तब तक हमें चैन नहीं मिलता, सुख शांति का अनुभव हम नहीं कर पाते। उदाहरण स्वरूप शराब का नशा, जुआ या स्त्री आसक्ति, हेरा फेरी, झूठ बोलना, ठगी आदि अनेक प्रकार की बुराइयां कुकर्म हैं जिनके हम गुलाम बन जाते हैं। इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है कि हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखें, बुराई अपने आप ही दूर हो जाएगी। आपने बुरा काम कर लिया, उस पर कभी पश्चाताप मत कीजिए। पश्चाताप करने से समय खराब ना करके इस बात का प्रयत्न करें और ऐसी व्यवस्था सोचें कि दोबारा वह काम आपसे ना होने पाए। इस बात की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। कुछ बुराइयां इस प्रकार की होती हैं जिनको हम सरलता से पकड़ नहीं पाते। आवश्यक कार्यों को भूलने की आदत, हर बात में आशंका करना, यह सब दुर्गुण हैं। इन सब की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इन साधारण बातों से भी आपकी सफलता की राह में रोड़े उत्पन्न होते हैं। आप इन कमजोरियों को पकड़ नहीं पाते, किंतु सफल होने के लिए आपको छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा सत्य है आदर्श। फिर भी यदि आप में किसी व्यक्ति को अपने आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो उसे अपने अनुकूल बनाएं। हम महापुरुषों को अपना आदर्श मानकर ही प्रगति कर सकते हैं। एक बात का और ख्याल रखें, भूलें हो सकती हैं, किंतु कोई भी भूल सिर्फ एक बार हो, वह दोहराई ना जाए। उस भूल को सुधारने के लिए अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति को इसके पीछे नियोजित कर दें। आप जैसे जैसे अपनी गलतियों को सुधारते जाएंगे वैसे वैसे आप सफलता के निकट पहुंचते जाएंगे। इस प्रकार से अध्याय फर्स्ट समाप्त होता है। अब इस अध्याय फर्स्ट की समरी क्या है, कुछ पॉइंट्स में एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। स्ववार्ता से अपनी कमजोरियों को दूर करें, बुराइयों को स्वयं पर हावी ना होने दें, भूल यदि हो जाए तो उसे सुधारें, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को अपना आदर्श बनाएं, विश्वास रखें कि ईश्वर आपके साथ है, विश्वास रखें कि आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है, विश्वास करें कि आप निर्बल नहीं हैं। आशा करता हूं आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अध्याय सेकंड मृदुभाषी बनो जल्दी ही चैनल पर अपलोड होगा। थैंक यू वेरी मच।